कभी देखा जाता है कि भक्त लोग बहुत साधना अच्छी तरह करते हैं, नियम पूर्वक साधना करते हैं, फिर भी उनके मन में भोग की कामना आ जाती है। तो इसके पीछे कारण है कि कहीं वैष्णव अपराध हुआ। जब कभी भी वैष्णव अपराध होता है तो मन में ये भोग की कामना जन्म लेती है। और सौवीर मुनि इतने बड़े तपस्वी थे कि वो बाहर बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि बाहर तपस्या करने से मन या इधर उधर चला जाता है, तो जल के भीतर जाकर वो तपस्या कर रहे थे यमुना के जल में, कि वो और कोई बाहर का दृश्य नहीं देखेंगे, अकेले यमुना के जल में तपस्या कर रहे थे। किंतु यमुना के जल में भी उन्होंने देखा दो मछलियों का मैथुन, और देख करके उनके मन में भी मैथुन की कामना उत्पन्न हो गई। क्योंकि ये भोग की वासना, काम की वासना ये इतनी तीव्र है, और हर व्यक्ति के हृदय में ये इतनी बैठी हुई है, कहीं अवसर पाने पर वो ऊपर निकल जाती है। तो इसलिए किसी का मैथुन करते देखना, या मैथुन के बारे में श्रवण करना, या उसके संबंध में बात करना, इस उस शास्त्र में मना किया गया है साधक के लिए, कि कोई भी भोग की वस्तु के बारे में चर्चा करना, देखना तो बहुत दूर की बात है, चर्चा करना भी मना किया गया कि व्यक्ति को ऐसे लोगों के साथ भी मिलना नहीं चाहिए जो लोग इसकी चर्चा में आनंद लेते हैं। भोग की चर्चा में जो आनंद लेते हैं उनसे, उनके साथ मिलने के लिए भी शास्त्रों में मना किया गया। तो जो विषयी व्यक्ति है, विषय भोग के प्रति आकृष्ट है, तो साधक को उनसे भी दूर रहना आवश्यक है। तो सौवीर मुनि ने केवल देखा मछलियों का मैथुन, ये देखकर उनके मन में मैथुन की कामना उत्पन्न हो गई। और जब एक बार कोई मैथुन का दृश्य देख लेता है तो उसके मन में वो दृश्य बैठ जाता है, और वो बार बार उस पर सोचने लगता है, और जब बार बार सोचने लगता है तब फिर वो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, धायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, काम क्रोध विजायते। ये काम की भावना पहले ध्यान से उत्पन्न होती है। जब हम चिंतन करते हैं मन में, भोग का चिंतन या किसी भोग के दृश्य का चिंतन, तब हम अपने मन को रोक नहीं सकते, वो श्रृंखलागत प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम साधक को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। कहीं किसी दृश्य को देखा, भोग के दृश्य को, या उसके बारे में सुना, तुरंत उस चर्चा से अपने ध्यान को, अपने मन को हटा लेना चाहिए, उस चिंतन से मन को हटा लेना चाहिए, और उसके स्थान पर भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तब जाकर कोई बच सकता है, नहीं तो बचना संभव नहीं। जैसे हम लोग जानते हैं अजामिल के बारे में, अजामिल ने वन में एक दृश्य देखा कि एक शूद्र एक वेश्या को आलिंगन कर रहा है, केवल देखा, किंतु उस दृश्य उसके मन में बैठ गया, वो सोचने लगा बार बार, और उसका परिणाम हुआ कि वो वेश्या को अपनी पत्नी के रूप में रखा और हर तरह के पाप कार्य में प्रवृत्त हो गया।
तो ये शास्त्र में इस जो वर्णन दिया गया है बड़े बड़े महात्मा साधुओं का, तपस्वियों का, इस वर्णन से हमें ये शिक्षा दी जाती है कि कैसे हम लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में अत्यधिक सतर्क रहना आवश्यक है।